दोस्तों दिवाली आने वाली है, कुछ मजेदार सा नहीं आ रहा। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। लेकिन ओप्पो ने हमें भेजा है स्पेशल वाला गोल्डन गिफ्ट बॉक्स और इसमें है सोना ही सोना, गोल्ड। क्यों आपको विश्वास नहीं हो रहा है? चल भाई नजदीक आ, खोल के दिखाता हूँ। ओ तो ये है सोने की अंगूठी। खैर रिंग सेरेमनी में काम देगी, इस बात को सीरियस मत लेना। ये डब्बा दिख जरूर खाली रहा है क्योंकि हमने इसमें से सब कुछ निकाल लिया। खैर अनबॉक्सिंग के लिए सब कुछ वापस डालना पड़ेगा। इसमें तीन आइटम्स आए हैं। सबसे पहले हम दिखा दें, हमें ओप्पो ने लव लेटर भेजा है जिसमे लिखा हुआ है ओप्पो फेस्टिव अनबॉक्सिंग। तो इसमें सबसे पहला जो आइटम है ओप्पो का मोस्ट अवेटेड गोल्ड एडिशन ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G। हाँ जी 5G। अब आप सोच रहे होंगे रेनो 6 प्रो तो पहले ही लॉन्च हो चुका है। हाँ हो चुका है, पर ये कुछ खास क्योंकि ये है गोल्ड एडिशन। ना आपने इस फोन का पहले ऐसा कोई बॉक्स देखा होगा और ना ही इसके ऊपर ये जो दिया लगा हुआ है ये देखा होगा। खैर बॉक्स के ऊपर ज्यादा कुछ लिखा तो हुआ नहीं है, पीछे की तरफ एंड्रॉइड लिखा हुआ है और ये 12GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ आता है। चलो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। चल भाई सील काट देते हैं। तो सबसे ऊपर है ये कुछ पाउच सा है और इसके अंदर लव लेटर भेजे हुए हैं। खैर ये हम नहीं पढ़ेंगे, पर दिखने में काफी प्रीमियम सा लुक आ रहा है, सब कुछ गोल्ड गोल्ड। और इसी के नीचे है ये फोन और फिर से ब्लैक सा बॉक्स आ चुका है और ये कवर है। और गाइस इसके अंदर 65 वोल्ट का चार्जर है, मतलब 30-31 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज। एक टाइप सी केबल और यही नहीं, इसके साथ आपको ईयरफोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। चलो आते हैं इस फोन पर। Oh my God. फीचर्स आपको बाद में दिखाते हैं, पहले फोन की लुक पर नजर डालते हैं। वाओ, देखो तो जरा, पूरी रॉयल फीलिंग आ रही है। दोस्तों ओप्पो ने इसे मेजेस्टिक गोल्ड कलर दिया है। मेटल फ्रेम को और कैमरा बम्प को, मतलब कैमरा के पहाड़ को भी गोल्डन कलर में फिनिशिंग दी गई है। शिमरिंग सैंड टेक्सचर दिया गया है। अगर आप इसको लाइट में थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे यू विल सी पिंकिश सी लुक, दैट लुक्स ऑसम। जल्दी जल्दी इसे ऑन करते हैं, देखते हैं क्या कस्टमाइजेशन की गई है इसमें। तो हमने इसे ऑन करके सेटअप कर लिया। पता नहीं क्यों इसका वॉलपेपर हमारे वहां पर लगे गोल्डन दियों से इंस्पायर्ड है और पूरे मोबाइल की थीम को गोल्डन रखा गया है क्योंकि दिवाली आने वाली है ना इसलिए। दोस्तों इसकी डिस्प्ले है 6.55 इंचेस, फुल HD प्लस AMOLED विद HDR 10 प्लस सर्टिफिकेशन और ये 90 हर्ट्ज की स्क्रीन एकदम मक्खन की तरह भाग रही है। भागे क्यों ना, MediaTek का Dimensity 1200 जो डाला हुआ है, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आपको मिल रहा है। बाकी आपको 12GB रैम भी तो मिल रही है। Reno 6 Pro में आपको वही राइट साइड में पावर बटन, लेफ्ट में वॉल्यूम अप डाउन बटन, नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे मिलेगी, साथ में माइक्रोफोन टाइप सी और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी और ऊपर की तरफ आपको नॉइज कैंसिलेशन माइक दिखेगा। ओ भाई ये तो सच में गाइस, बाकी सब तो इसमें फर्स्ट क्लास है, बट ये जो इसकी दिवाली वाली और गोल्ड वाली थीम है और इसके जो आइकन है ये भी चेंज हुए हैं और ये देखने में काफी मस्त लग रहे हैं। और जब आप इसे चार्ज लगाते हो तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। और इसमें है 4500 mAh की बैटरी जिसे आप 65W सुपर वू 2.0 चार्जर के साथ आराम से 31 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हो। इसका वेट है अराउंड 177 ग्राम और सिर्फ 7.6 mm की थिकनेस के साथ इसकी स्क्रीन एजेस से कर्व्ड भी है जो कि देखने में इतनी मस्त है कि चलाने के बाद बल्ले बल्ले हो जाएगा, मतलब आपका एक्सपीरियंस इनहेंस हो जाएगा। दोस्तों रियर साइड में टोटल 4 कैमरास हैं। मेन कैमरा इसका 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, मैक्रो एंड मोनो दो-दो मेगापिक्सल के हैं। इसका कैमरा तो फैंटास्टिक है। बाकी जो इसका मेन फीचर है जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया वो है बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट फीचर। चलो आज हम इसे ही टेस्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो जो कुछ ऐसी थी वो इस फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने से कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी। साला DSLR ही बन गया भाई, मतलब एकदम फाड़ू। स्पेशल बाजार जाकर इन लड़ियों को खरीदना पड़ा इस फीचर को टेस्ट करने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों इस दिवाली Reno 6 Pro गोल्ड एडिशन के साथ आपकी दिवाली एकदम झकाझक रहने वाली है। इसका बूके पोर्ट्रेट इफेक्ट है ही इतना शानदार, बाकी दूसरे कैमरास की भी फोटोज देख लो एकदम ब्रिलियंट खींचता है। इसके कैमरा से कोई भी शिकायत नहीं है। इस फोन के कैमरा से मैं कोई अगर कौन से निकालने बैठ गया तो मुझे नहीं लगता मैं निकाल पाऊंगा। बाकी इस बोके इफेक्ट ने तो दिल खुश कर दिया। गाइस इसका सेल्फी वाला कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। मुझे फ्रंट कैमरा ऑन होने पर जो एनिमेशन देखने को मिल रहा है मुझे बहुत पसंद आया। ये देख लो फ्रंट कैमरा से वीडियो बन रही है, पीछे देख रहे हो यार DSLR बन गया यार ये तो। परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन फ्लैगशिप फोन है। गेम में चाहे जो मर्जी सेटिंग लगाओ, हाई लगाओ, जितनी मर्जी लगाओ, मक्खन की तरह दौड़ेगा। फिर भी PUBG खेल के दिखा देता हूं भाई, क्या एक्सपीरियंस आ रहा है इसमें, मजेदार एक्सपीरियंस। दोस्तों ओवरऑल इस फोन की बात करूं इसके अंदर इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि मैं बताते-बताते थक जाऊंगा। आई रियली लव्ड इट, बट गोल्ड एडिशन में इसका जो डिजाइन है वो तो भैया जब आप खुद अपने हाथ में इस फोन को पकड़ोगे तब आपको फील होगा। दोस्तों अब इस बॉक्स में दो आइटम्स और बचे हैं, चलो दूसरा आइटम निकालते हैं। दोस्तों ये है ओप्पो का F19s जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, क्या पता शायद आज लॉन्च हो जाए या कल। ये ऊपर से ब्लू, अंदर से ब्लैक और अंदर से भी ब्लैक।
चलो यहाँ तक आ गए, अनबॉक्सिंग ही कर देते हैं। दोस्तों इसमें इसका बैक कवर है और कुछ लव लेटर्स दिए हुए हैं, और ये आपको सेम वैसा ही कवर देखने को मिलेगा जैसा रेनो 6 प्रो में देखने को मिला था। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका स्मार्टफोन ओप्पो F19s, और ये भी गोल्ड एडिशन है। इसके बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। तो इसमें है ये 33 वोल्ट का फ्लैश चार्जर, एक टाइप सी केबल आपको मिलेगी, और यार आपको इसमें भी ईयरफोन देखने को मिलेंगे 3.5 mm जैक के साथ। बात करते हैं ओप्पो F19s की। दोस्तों ओप्पो F19s का ग्लोइंग गोल्ड कलर दिवाली से इंस्पायर्ड है, और इसका बैक साइड प्लास्टिक होने के बावजूद भी प्लास्टिक ना लगकर ग्लास ज्यादा लगता है, बिकॉज ऑफ इट्स मोर डेलिकेट ग्लो। क्योंकि इस फोन को बनाने के लिए ओप्पो ने अडॉप्ट किया है AG प्रोसेस, और इसके बैक कवर को इंडिया फर्स्ट शिमरिंग सैंड टेक्सचर दिया गया है। इससे ऐसा फील होता है कि जैसे कि इसके बैक कवर पर बहुत ही फाइन और डेलिकेट पार्टिकल्स हों, पर हाथ लगाने पर ये बिल्कुल स्मूथ फील हो रहा है। 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद एकदम स्लीक डिजाइन दिया गया है, और 33 वोल्ट का फ्लैश चार्जर जो इस मोबाइल को 5 मिनट चार्ज करने पर 5 घंटे का टॉक टाइम दे देगा, और 6.43 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले आपको इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देगी। इसके बैक साइड पर आपको ट्रिपल AI कैमरा देखने को मिल जाएगा, मेन कैमरा 48 megapixel, बाकी दोनों मैक्रो और डेप्थ 2-2 megapixel के, और इसका फ्रंट कैमरा आपको 16 megapixel का मिल जाएगा। चलो कैमरा टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसका 48 megapixel वाला कैमरा चेक करते हैं। खैर इसके कैमरा से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, इसका मैक्रो कैमरा भी चेक कर लेते हैं, फोटो भी काफी क्लियर आ रही है, जूम करने पर भी बिल्कुल भी फट नहीं रही। चलो इसका फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा आई थिंक मेरे हिसाब से तो पर्सनली मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल इसके सारे कैमरा डिसेंट है, बट इसका मेन कैमरा तो बहुत अच्छा है। ये कुछ फोटोज देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज भी ये फोन डिसेंट है। आपको इसमें स्नैपड्रैगन 662 ऑक्टाकोर प्रोसेसर विद 6GB रैम आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, और आप उस रैम को भी 5GB तक और एक्सटेंड कर सकते हो वर्चुअली। ये फोन आपको ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देता है, आपको एकदम खुश रखेगा। बाकी यार इसका डिजाइन देखो, सच में ओपो डिजाइनिंग की फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। चलो इसमें पबजी भी टेस्ट कर लिया जाए, स्नैपड्रैगन 662। तो यार पबजी खेलने में मुझे तो खैर मजा आ रहा है, गेम एकदम स्मूथ चल रहा है, हल्का फुल्का आपको फ्रेम ड्रॉप होता हुआ शायद कभी ना कभी मिल जाए अगर आप गहराई से गौर करोगे तो। बाकी पबजी लवर्स के हाथ ये फोन बहुत अच्छा लगने वाला है। गेमिंग ओके है, पर ओवरऑल नॉर्मल यूजर्स के लिए ये फोन एकदम झटका है। बाकी ग्लोइंग गोल्ड कलर इसकी लुक्स पर 4 चांद लगा रहा है, लुक्स वाइज देखा जाए तो टॉप नॉच है। खैर हमने इन दोनों फोन्स की बात कर ली है, ये दिखने में काफी सिमिलर से लगते हैं और टॉप नॉच भी। वैसे तो ओप्पो का रेनो 6 प्रो 5G और F19 मार्केट में काफी सक्सेसफुल रहे हैं, इसलिए ओप्पो इनका गोल्ड एडिशन लॉन्च करने जा रहा है जो बहुत ही जल्द आपके हाथों में होगा। रेनो 6 प्रो गोल्ड एडिशन का प्राइस आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगा जैसे पहले वाला आता था। चलो बॉक्स में देखते हैं कि और क्या आया हुआ है। इसे कर कुछ याद आया, ये है ओप्पो के एनको बर्ड्स, बट ये पहले वाले जैसे नहीं है, इसका कलर भी चेंज हुआ है। बताता हूं कैसे। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लें। सील तो हमने काट ली है, चलो इसको ओपन करते हैं। ये हैं वो बर्ड्स, इसको रखते हैं साइड पर। ये हैं ईयर कप्स, और ओप्पो ने फिर से लव लेटर्स भेजे हैं। इसे देखने के बाद मुझे अंडे की याद आ गई। गाइस आप नोट करोगे जो पहले वाले एनको बर्ड्स आते थे वो व्हाइट कलर में होते थे, बट इसका केस भी और इसके अंदर भी, ये अभी आपको बाद में दिखाता हूँ, एक बार गौर से देखो, ये व्हाइट नहीं है, ये हल्का सा स्काई ब्लू कलर, अलग सा मजेदार सा कलर है। वाओ, मुझे इसका मैग्नेट बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा है, सब कुछ स्काई ब्लू सा कलर है। गाइस इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश और मिनिमलिस्टिक है, और ये आपके कानों में आराम से फिट हो जाएंगे। दोस्तों चार्जिंग केस के साथ ये आपको पूरे 24 घंटे का बैकअप दे देगा, और इसका जो इंडिविजुअल स्पीकर चाहे ये हो या फिर ये जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये 6 घंटे का बैकअप देगा। दोस्तों इसमें हमें मिलता है इंटेलिजेंट कॉल नॉइज रिडक्शन, जिससे आप क्रिस्टल क्लियर वॉइस डिलीवर कर पाओ, और मैंने इन्हें टेस्ट भी कर लिया है, ये अपनी जॉब बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं, और इसकी बेस माइंड ब्लोइंग है क्लियर साउंड के साथ। ज्यादा वॉल्यूम करने से आपको आवाज थोड़ी सी तीखी लग सकती है, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा आवाज है कि आपको आवाज कम करके ही रखनी पड़ेगी। गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें लो लेटेंसी गेमिंग मोड भी दिया गया है, बस आपको 3 बार इसे टैप करना है, और आपको मिलेगी 80 ms की लेटेंसी, विच इज रियली गुड। और गाइस आप विश्वास नहीं करोगे, ये सिर्फ 2000 के प्राइस रेंज पर मिल जाते हैं। इन बर्ड्स का इतने कम प्राइस रेंज पे कोई मुकाबला नहीं है। तो ये मिला था हमें इस बॉक्स में ओप्पो की तरफ से दिवाली का स्पेशल गिफ्ट, और सच में बताऊं तो ये तीनों प्रोडक्ट टॉप नॉच है। आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बढ़िया लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। तीनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली चेक इट आउट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ठोक दो, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।